उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पिरान कलिया दरगाह को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला है जो कि चर्चा और विवाद का विषय बनते जा रहा है। विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आने लगी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शादाब शम्स ने ऐसा कैसा बयान दे दिया कि विवाद बन रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि कलियर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और देह व्यापार का अड्डा बन चुका है, जिसका धामी सरकार स्वच्छता अभियान के तहत सफाया करेगी और कलियर में भी कभी कोई भी गलत काम नहीं किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसी गतिविधियों पर ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं जहाँ मजारों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन की बात सामने आ रही हो। सरकार के संज्ञान में मामले हैं, पुलिस के संज्ञान में मामले हैं और पुलिस काम कर रही है। लगातार जो इनपुट्स आ रहे हैं उनमें यही हो रहा है कि यहाँ से कैसे ड्रग्स रैकेट्स को साफ किया जाए, वहाँ से गिरफ्तारियाँ भी लगातार हो रही हैं, कैसे देह व्यापार के मामले में जो मामले चल रहे हैं इस मामले से निपटा जाए, कैसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होता है, जो लोग वहाँ जवान बच्चे कोई मिल जाते हैं मासूम से तो उन्हें ले जाके और कहीं से कहीं पार करा दिया जाता है, कैसे उनके ऑर्गन बेचे जाते होंगे, क्या उनके साथ होता होगा, ये अपने आप बहुत संजीदा मामले हैं। और मुझे लगता है धामी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्पेशल कहा है कि इन चीजों के ऊपर बहुत बारीक निगाह रखनी है, बेगुनाह को छेड़ना नहीं है और गुनहगार को छोड़ना नहीं है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम साफ नियत से एक बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए तैयार हैं। लोगों का सहयोग चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। पिरान कलियर में भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, उन सब लोगों का साथ लेते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज का साथ लेके पिरान कलियर की गंदगी को भी साफ करने का। अब शादाब के इस बयान से राजनीति गर्मा गई है। शादाब शम्स के बयान पर कांग्रेस के विधायक फुरकान अहमद ने कहा है कि पिछले 5.5 साल से बीजेपी की सरकार कलियर शरीफ में, और अगर कोई गलत काम हो रहा था तो पहले बीजेपी ने उसे बंद क्यों नहीं करवाया। पुरान कलियर दरगाह के बारे में शादाब शम्स का ऐसा बयान बहुत गलत है, उन्हें इतना गलत बयान नहीं देना चाहिए था। फुरकान अहमद ने कहा कि शादाब शम्स को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके बयान से लोगों को दुख हुआ है और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई इस तरह की बात नहीं आई क्योंकि हाँ, कोई अगर एक आध कोई इस तरह का अगर है तो पुलिस गिरफ्तार करती है। हमने कभी भी ऐसा आदमी गलत आदमी का साथ नहीं दिया क्योंकि इंसान अच्छा बुरा हो सकता है, पूरा इलाका या पूरा देश अच्छा खराब नहीं हो सकता। ये उनका बयान बहुत गलत है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो कलिया शरीफ की दरगाह है वह विश्व प्रसिद्ध है, वो देश विदेश से तो यहाँ पर जारी रहते हैं। इस तरह का ऐसी जगह के लिए अगर बयान देना, उन्हें सोच समझ के बयान देना चाहिए क्योंकि मान लो इस तरह का बयान देना बहुत लोगों को दुख हुआ है और जनता बहुत परेशान है, इसलिए उन्हें इस तरह की बयान नहीं देना चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वही इस मामले में तीखा प्रहार करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि शादाब शम्स के अध्यक्ष बनते ये चीजें सामने कैसे आ रही हैं? भाजपा की सरकार तो पिछले 6 साल से उत्तराखंड में है, अब तक इस बात को लेकर जांच क्यों नहीं की गई? एक तो 6 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में है, अगर वहाँ ड्रग्स फल फूल रहे हैं, वहाँ देह व्यवहार हो रहा है तो 6 साल से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहीं से 20 मिनट की दूरी पर SSP का कार्यालय है, वहाँ पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स रहती है, देश विदेश के सैलानी वहाँ आते हैं, तो आखिर एक्स्ट्रा फोर्स के रहते हुए, पुलिस प्रोटेक्शन के होते हुए, सरकार होते हुए ये सब कैसे फल फूल रहा था? ये आज शादाब शम्स के अध्यक्ष बनने के बाद ये चीज़ें बाहर क्यों आ रही? आज तक इस विषय पे कोई चर्चा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं कार्रवाई की? और 6 साल से जो सरकार थी उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें जैसे हमारा कुंभ है उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय का ये एक बड़ा तीर्थ है और इसमें बहुत से अनुयायी देश विदेश से आते हैं। बयान ऐसे आने चाहिए जिससे देश की छवि खराब नहीं हो। आप कार्रवाई कीजिए, दोषियों को पकड़िए, दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कीजिए, उनको सजा दीजिए, लेकिन बयान ऐसे ना दें जिससे देश की छवि देश विदेश में खराब हो। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती हैं और ऐसे में जांच होना आवश्यक है ताकि सच सामने आ सके। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी तेजी से मदरसों की जांच के साथ साथ अवैध मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये मामला और कितना गर्माता है। हमारे सहयोगी अंकित शर्मा और चांदनी कुरैशी की रिपोर्ट।